ये जगह है ये जो शहर है द मोस्ट डाइवर्स सिटी इन द वर्ल्ड। भैया कितने तरीके के पान है आपके पास? मीठा पान, ताजा पान, गट्टा पान। अच्छा तो देख लो यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी सारे तरीके के पान मिल जाते। मैं पाकिस्तान से हो? कहाँ से पाकिस्तान में? मैं जिला ननकाना सर। अभी मैं हूँ न्यू जर्सी में, जर्सी सिटी में, और मेरे साथ है आज मेहुल। जर्सी सिटी, जर्सी सिटी। और मेहुल जो है हमारी यूट्यूब फैमिली सब्सक्राइबर के ही एक मेंबर है। और अभी मैं इस एरिया में आ रहा था तो मेहुल ने मेरे को ईमेल भेजा था, अगर इधर आते हो तो मिलना। तो मैंने बोला कि अपनी फैमिली के मेंबर हैं, क्यों नहीं मिलेंगे। तो अभी मेहुल से मिलके मैं बात ही कर रहा था, फिर मैंने उनसे बोला कि भैया कैमरे के लिए आप शायद तो नहीं फील करते? मेहुल ने बोला बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा अच्छा है। और मेहुल आपने बताया कि आप कैलिफोर्निया में पहले रहते थे और अब ये यहाँ आ गए, तीन साल हो गए? थ्री एंड हाफ हो गया। तो मेहुल को ऑलमोस्ट हाउ मीन्स हाउ लॉन्ग यू बीन इन यूनाइटेड स्टेट? सिंस 97। वेरी लॉन्ग टाइम। ओके सो मेहुल जो है आज हम लोगों को घुमाएंगे जर्सी सिटी, क्योंकि यहाँ पे 3-3.5 साल हो गए रहते हुए। मैं ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार आ चुका हूँ और मेरे को ज़्यादा आई पता नहीं है। मैं सिर्फ मोबाइल पे गूगल पे सर्च करता हूँ कि कौन से प्लेस यहाँ पे इंडियन है, तो बस मैं वही लोकेशन दिखा पाता हूँ। बट आपने बोला आप ये यहीं पर रहते हो, तो मैंने सोचा कि आप और भी अच्छी लोकेशन दिखा पाओगे हमें। तो चलो आज का दिन करते हैं मेहुल के साथ स्टार्ट। मेहुल, you want to say something? No, let's get started. Okay. So where we are going first? Let's go to Morris Canal Park चलते। हाँ ठीक है, इंडिया स्क्वायर। Yeah. तो मैं इंडिया स्क्वायर की पहले वीडियो बना चुका हूँ 2 साल पहले। आप लोगों ने देखा होगा मैंने लिटिल इंडिया के नाम से बनाया था। तो वो एरिया भी हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि अब यहाँ के लोकल बंदे हैं हमारे साथ, तो वो इतना अच्छी तरीके से दिखाएंगे तो एक अलग ही मजा आएगा। अभी हम लोग पहुँच गए हैं जो लोकेशन बता रहे थे। मेहुल यार आप ही बताओ आज, क्योंकि मेरे को इस लोकेशन का बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये है कोरियन वॉर मेमोरियल। सो कोरियन वॉर में जब सोल्डर मर गए थे ना, इसकी मेमोरी में बनाया है। अच्छा ये यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात मेहुल ने जो करी है यहाँ पे, फ्री पार्किंग। इट्स हार्ड टू फाइंड अ फ्री पार्किंग। या मतलब न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क। और अभी आप लोग को एक मैं लुक दिखाता हूँ, ये देखो वो वहाँ पे न्यूयॉर्क है और हम लोग न्यू जर्सी में खड़े हुए हैं। मतलब कितना कम डिस्टेंस है, लाइक अबाउट हाफ माइल। तो अब हम लोग जा रहे हैं जो लिटिल इंडिया है यहाँ का, जो बहुत ही बड़ी इंडियन मार्केट है। वहाँ पे जाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप अमेरिका में है। सही बोल रहे हो, या मिनी इंडिया। अभी मैं मेहुल से बात कर रहा था कि मतलब आप जैसे यहाँ पे रहते हो, तो आप बताओ अगर कोई मूव होना चाहता है न्यूयॉर्क में या न्यू जर्सी में, तो कौन सा एरिया जो बेस्ट है? और मतलब अगर कोई न्यूयॉर्क में यहाँ पे काम करता है, जैसे आप बता रहे हो आप न्यूयॉर्क में काम करते हो ना, और आप रहते न्यू जर्सी में, तो मतलब क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पे रहने के, कि आप वो वहाँ नहीं रहते कि आप काम न्यूयॉर्क में करते हो? वो रेंट सस्ता होता है। अच्छा रेंट यहाँ पे सस्ता है, मतलब वो वहाँ पे क्या पड़ता है रेंट का? रेंट वहाँ पे वो $2,000 पर मंथ स्टूडियो मिलता है। स्टूडियो मतलब सिर्फ एक, और बाथरूम इज शेयरिंग? और समटाइम वो लोग शेयरिंग करते हैं। मतलब $2,000 में आपको एक रूम मिलेगा और बाथरूम भी कभी कभार शेयर करना पड़ता है, मतलब किसी दूसरे मतलब स्टूडियो वालों से। तो $2,000 मतलब इंडिया के 1.5 लाख रुपए हो गए। 1.5 लाख रुपए में सिर्फ एक रूम, वो भी बाथरूम शेयर करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे क्या है, मतलब न्यू जर्सी में क्या है? न्यू जर्सी में 2,000 में वो एक बेडरूम मिल जाता है। अच्छा मतलब 2,000 में आपको 1 बेडरूम, 1 बेडरूम होगा और 1 ड्राइंग रूम होगा, किचन बाथरूम सब सेपरेट होगा। 1 BHK। चोर बाजार। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं इंडियन बाजार में और मिस्टर डेरिक पूछ रहे हैं कि चोर बाजार कहाँ है। चोर बाजार। मिस्टर डेरिक पीछे बैठे हुए हैं। Nobody can see you. I'm hiding. तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं इंडियन बाजार और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जहाँ से बाजार स्टार्ट होता है। क्या नाम क्या है ये जो स्ट्रीट? इंडियन स्क्वायर। तो ये देखो वहाँ पे जो आपको टाइगर दिख रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग अभी यहाँ पे वॉक करेंगे। हम लोगों को पार्किंग बाहर तो मिली नहीं है, बट मेहुल को पता था यहाँ पे एक सीक्रेट पार्किंग। बट इसका पार्किंग चार्ज है बता रहे हैं $1 घंटे के $4, तो बुरा नहीं है, 1 घंटे में ही हमारा काम निपट जाएगा। और मेन सेफ है,
सेफ है, मतलब सेफ पार्किंग है. कभी भी न्यूयॉर्क में आते हो, न्यू जर्सी में आते हो, किसी भी बड़ी सिटी में जा रहे हो, तो सेफ पार्किंग होना बहुत जरूरी है. नहीं तो ये शीशे वगैरह तोड़ के सामान ले जाते हैं. और वो टिकट टिकट मिलती है ना. हाँ, और अगर इधर उधर पार्क कर दिया नो पार्किंग में तो टिकट मिलती है $150 $200 में. यहाँ पे सब हिंदी में बात कर रहे हैं. यहाँ सब हिंदी में बात करते हैं. हाँ, करते हैं. चलो ये तो अच्छा है. ये मुझे गाड़ी में रखना है, साथ लेके जाना है? ये बस वापस जब आएंगे ना मुझे वापस देना है. अच्छा ठीक है. कितना टाइम हो गया अभी? अभी 5:00. हाँ ठीक है, 6 बजे से पहले ही आ जाते हैं हम. धन्यवाद अंकल. सो कहाँ पे? हाँ तो अभी ये बहुत बड़ा है, हम लोग चलो वहाँ से स्टार्ट करते हैं. जब भी नवरात्रि होती है ना. अच्छा, तो यहाँ पे वो स्ट्रीट बंद कर देते हैं. अच्छा, यहाँ पे गरबा होता है. गरबा होता है यहाँ पे. मेरे पास लास्ट ईयर का वीडियो है, मैं तुमको शेयर करूँगा. हाँ मेरे को सेंड करना. यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पूरी जो स्ट्रीट है बंद कर देते हैं और गरबा होता है. बड़ा अच्छा लग रहा है. ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 3-4 हमने पान की दुकान देख ली है. एक ये पान है, रंगोली पान. भैया कितने तरीके के पान है आपके पास? अच्छा तो देख लो, यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी सारे तरीके के पान मिल जाते. फायर पान भी रखते हो क्या? तो ये है, यहाँ पे हर तरीके के पान मिल रहे हैं. थैंक यू भैया. तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पूरे जैसे इंडिया के अंदर अपना आराम से लोग बाहर बैठ के खा रहे होते हैं, ऐसे ये यहाँ पे सब इन्होंने बाहर चेयर डाली हुई है. इस तरफ में भी पीछे भी लोग बैठे हुए हैं. और ये है हरी. हेलो, हाउ यू डूइंग सर? गुड. कहाँ से हो आप? मैं तो जयश्री का हूँ, इंडिया से. इंडिया में कहाँ से? इंडिया में बिहार से. बिहार से. हेलो, अपने एक और भाई इंडिया के मिल गए. पूरा इंडिया ही टाउन है. मतलब मेरे को लग ही नहीं रहा सब हिंदी बोल रहे हैं यहाँ पे. ऐसा लग रहा है अपना पूरा इंडिया में घूम रहे हैं. अच्छा, उधर जाओ, उधर लोग आगे जाओ और फिर फिलिपिनो में बात करोगे, लोग में बात करोगे, उसका अरबिक में बात करेंगे. आपको कितनी लैंग्वेज आती है? ये तो दो तीन लैंग्वेज आती है. ये जगह है, ये जो शहर है, द मोस्ट डाइवर्स सिटी इन द वर्ल्ड. ओके, 2 लाख लोग यहाँ रहते हैं. 20% पॉपुलेशन गोरे. ओके, 20% काले, 20% स्पेनिश है, 20% एशियन है, 20% रेस्ट. तो ये देखो कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है. हाँ, तो बहुत ही वैल्यूबल है. इससे बड़ी है वहाँ पे. हेलो. और बट ये इससे ज़्यादा 2 लाख लोग जो आ रहते हैं, इससे बड़ा डाइवर्स कोई जगह दुनिया में है नहीं. मैं गुड वे में, गुड बैड में, बट सेम वे में. ठीक है, चलो अच्छा लगा. तो ये देखो अभी बात हुई है जनाब से, तो बता रहे हैं कि कितना डाइवर्स सिटी है ये, कि अलग अलग कंट्री से यहाँ पे लोग आए हुए हैं. हेलो, हाउ यू फीलिंग? यू आर इन इंडिया राइट नाउ? या ओके, वेल यू फील इट मोर व्हेन यू गेट डाउन इन देयर बिकॉज़ यू स्मेल इट मोर. या ऑल द रेस्टोरेंट्स एंड ऑल द स्मेल्स लाइक इंडिया. डैडी जी का कहने का मतलब है स्मेल लाइक इंडिया. जो स्पाइस होते हैं ना इंडिया के, उसकी जो खुशबू आती है वो एक अलग ही होती है. जैसे अभी मैं भी घूम रहा था, जो रेस्टोरेंट वगैरह थे उसके बाहर से निकलते हैं, जो मसाले वगैरह की और रेस्टोरेंट से खुशबू आती है वो एक अलग ही होती है. मिलियन पीपल ऑन दिस वन स्ट्रीट. या मिस्टर डैरी कह रहे हैं कि ये इंडिया लग रहा है, बस एक चीज से मिसिंग हो रहा है कि ये यहाँ पे ना हजारों लोग नहीं चल रहे जैसे इंडिया के अंदर भरा रहा. अभी आ गया पटेल ब्रदर्स. तो ये यहाँ का पटेल ब्रदर्स. ले ली है मूंगफली, बट कच्ची मूंगफली ली है. तो देखते हैं खा के. रॉ पीनट्स, गीले पीनट्स है, मतलब भीगे हुए हैं. पीपल बॉइल्ड पीनट्स, बट रॉ पीनट्स, कच्चे पीनट्स हम लोग खा रहे हैं. मुझे तो मजा नहीं आया, बट मिस्टर डैरिक को भी मजा आ रहा है और मेहुल को भी मजा आ रहा है. आर्टिकल आया था न्यूजर्सी में, बेस्ट फूड है. तो चलो ये तो मेहुल अब बता रहे हैं कि जिस पे राजभोग पे जा रहे हैं, मैं पहले भी जाके खा चुका हूँ उस पे, बट वो बता रहे हैं कि न्यू जर्सी का जो बेस्ट फूड है, बेस्ट फास्ट फूड दे मोस्टली सेल्फ. तो बेस्ट फास्ट फूड जो है वो है राजभोग. यहाँ पे चलते चलते जो मेरे को फील हो रहा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पूरा इंडिया के अंदर घूम रहा हूँ, सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं. और पहुँच गए हम लोग चलते चलते आई थिंक रेस्टोरेंट. तो ये है राजभोग रेस्टोरेंट. तो अभी इसके अंदर चलते हैं और खाते हैं, समोसा लेते हैं. मेहुल आप क्या लोगे? नहीं मेरे ठीक है. नहीं कुछ ट्राई करते हैं ना, खाते हैं यहाँ पे. साबुदाना बड़ा भी दे देना. हाउ टू से साबुदाना? साबुदाना बोला. चालू टीका
आलू टिक्की या आलू टिक्की। अभी हम लोग आपका ऑनलाइन देख रहे थे, बता रहे हैं कि ये जो न्यू जर्सी में बेस्ट रेस्टोरेंट है खाने के लिए आपका, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है जर्सी चैनल में, तो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने बाहर मोदी जी की फोटो भी लगाई हुई है, बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे घूमते हुए पूरा ऐसा लग रहा है इंडिया में घूम रहे हैं। मिनी इंडिया ही है। मिनी इंडिया कितने बजे ओपन होती है? 10 o'clock 10 to 9 एवरीडे। तो अगर आना चाहते हो यहाँ पे 10 to 9 एवरीडे यहाँ पे आ सकते हो मिनी इंडिया में। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ हर तरीके की मिठाइयाँ रखी हुई हैं, जो कि जैसे मैं ऑरलैंडो में रहता हूँ तो मिठाई मिलना वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है हर तरीके की, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हर तरीके की मिठाई रखी हुई है। हम लोगों ने उनको बोला मिस्टर डेरिक जो हैं वो खाते नहीं हैं बिल्कुल स्पाइस, तो उनके लिए स्पेशल उन्होंने दही बड़ा बनाया है, और एक मिस्टर डेरिक ने ये अपने लिए ऑर्डर किया है। अब ये स्पाइसी होगा नहीं होगा, मे बी दिस एंड स्पाइसी, तो मिस्टर डेरिक थोड़ा सा डर रहे हैं। तो जैसे इंडिया में हम लोग खाते हैं ना बिल्कुल वो वाला टेस्ट आ रहा है, नहीं तो ऐसा टेस्ट मिलना यहाँ अमेरिका में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग जो समोसा भी अमेरिका में बना रहे होते हैं वो भी थोड़ा अमेरिकन टच में बना रहे होते हैं कि लोग अमेरिकन लोग भी उसको इन्जॉय कर सकें, बट ये जो यहाँ पे है पूरा इंडिया वाला जो टेस्ट मेरे को। ओह थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पे सर ने हमें टी दी है अपनी तरफ से, थैंक यू सर, आई अप्रिशिएट। चाय पीला तो उन्होंने स्पेशल चाय बनाई है, इसके अंदर उन्होंने इलायची वगैरह सब चीज़ें डाली हुई हैं, दूर से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। I actually like it. I don't usually drink chai. मतलब मिस्टर डेरिक को भी चाय पसंद आई है। मेहुल से हम बात करते हैं, आप कब से देख रहे हो मेरी वीडियो? मैंने तुम्हारी पहले वीडियो देखी थी ना, वो टारोन सिटी फ्लोरिडा की, वो बोट वाले प्लेन थे ना फ्लोरिडा में, वो ना प्लेन होते हैं ना बोट वाले। अच्छा राइट। देखी मैंने तुम्हारा वो ब्लॉगिंग स्टाइल पसंद आ गया। ओके तो मैंने देखा वाह तुम अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हो सिटी की, तो मैंने सोचा ओ वाह सिटी में जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से देख लो। अभी हम लोगों का हो गया है खाना कंप्लीट, और हम लोग करते हैं पेमेंट और फिर हम चलते हैं। कि मतलब अमेरिका में मिनी इंडिया है, और मतलब सही बताऊं तो मैं इतना नवरात्रि भी ऑलमोस्ट 15-20,000 पीपल स्ट्रीट पे होती है। अच्छा मतलब आप ऑर्गेनाइज कराते हो सब चीजें? अच्छा तो मतलब बेस्ट टाइम कौन सा है यहाँ पे, जैसे लोग आए जो घूम रहे हैं आपके यहाँ पे आए, फेस्टिवल चल रहा है नवरात्रि में, फेस्टिवल नवरात्रा बेस्ट टाइम है यहाँ पे आने के लिए नवरात्रि में। ये साल तो नहीं है कोरोना के हिसाब से। अच्छा 15-20,000 पीपल होते हैं। अच्छा और आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद भाई पटेल राजपूत। अच्छा तो अरविंद भाई पटेल हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज वगैरह कराते हैं जितने भी फेस्टिवल वगैरह में सब चीज़ें होती हैं। तो आ रहे हो तो नवरात्रे जो बता रहे हैं बेस्ट टाइम है, फेस्टिवल चल रहा होगा और आपके यहाँ पे भी अलग अलग खाना भी होगा। फिर तो फिर तो मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो आ रहे हो तो एड्रेस क्या है आप एक बार अपना बता दो। 812 जर्सी सिटी न्यू जर्सी। तो एड्रेस भी बता दिया और मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा। तो ये था राजभोग रेस्टोरेंट, और अब हम लोग निकलते हैं बाहर यहाँ से, और थैंक यू बोलूँगा अरविंद जी को। मेहुल भाई यहीं पर ही आते हैं खाने के लिए। कितनी बार आते हो वीक में आप? नहीं अब अभी नहीं आता, पहले आते थे। अब घर पे बना लेते हो? घर पे बना, वाइफ बनाती है। अच्छा तो जब शादी हो गई तो फिर आना बंद कर दिया। तो मेहुल भाई पहले आते थे जब सिंगल होते थे, यहाँ शादी के बाद नहीं आ रहे हैं, घर पे ही मिल रहा है सब कुछ। तो चलो अब हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ हम लोगों ने कार पार्क की थी, तो ये एरिया है जहाँ हमने कार पार्क की है। तो अगर यहाँ पे आ रहे हो आप तो स्ट्रीट पे भी पार्किंग है, अगर वहाँ पे नहीं मिलती तो ऑप्शन है यहाँ पे सेफ पार्किंग, आप आराम से लगा सकते हो। आपकी पार्किंग खुली रहती है 24 घंटे या फिर 12-13 घंटा तो खुला रखता है, फिर शाम को छोड़ जाते हैं खुला। अच्छा शाम को फ्री में पार्क कर लेते हैं? जो कोई फ्री में आएगा तो जाएगा। अच्छा वो उसकी टो करवा देते हो? नहीं मतलब लगा देते हैं। मल्टी आवर का डिस्काउंट होता है? हाँ जी, लाइक 2-3 घंटे पार्क की तो डिस्काउंट मिलेगा। हाँ फर्स्ट आवर का तो $4 है, सेकंड आवर का $2 है। चलो ये बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट लोग यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग वीडियो बना रहे थे कि मिनी इंडिया में लोग आते हैं तो कैसे आराम से घूम सकते हैं, कहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, कहाँ खाना खा सकते हैं। हाँ इधर रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे हैं।
आप कहाँ से? मैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से हो? कहाँ से पाकिस्तान में? मैं जिला ननकाना सर। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं। अच्छा, हाँ, और अभी वीडियो जो भी देखेंगे ये वाली जब मैं बनाऊंगा तो जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है। मैं कभी विजिट नहीं किया पाकिस्तान में, कभी चांस मिलेगा तो मैं जाऊँगा। मैं दिल्ली से हूँ। मस्जिद इकबाल जी अपने पाकिस्तान से हैं, और ये इंडिया स्क्वायर में जो है पार्किंग इनके यहाँ पे लगा लेना, काफ़ी सेफ पार्किंग है ना। तो चलो मैं इनको अभी देता हूँ अपने चैनल का नाम वगैरह और फिर हम लोग निकलते हैं। धन्यवाद जी, मिलते हैं फिर। तो सब्सक्राइब दबा दिया। तो मेहुल भाई यहाँ पे मेरी मदद करा रहे हैं 1 मिलियन तक पहुँचाने के लिए, कि उनका भी सब्सक्राइब करा दिया। ये था ट्रिप मेहुल के साथ न्यू जर्सी का, और सही बता रहा हूँ बहुत मज़ा आया और एक अपनापन सा लगा। मेहुल ने इतना अच्छा टाइम निकाल के सब जगह पे घुमाया, थैंक यू सो मच मेहुल। और अगर आप लोग को कोई भी जर्सी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेहुल को इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। परेशान मत करना, खाली काम की बात पूछना जो भी है। ये मत बोलना कि अमेरिका का वीज़ा कैसे लगेगा, वो नहीं लगवा सकते ये और ना मैं लगवा सकता हूँ। खाली बस के भैया न्यू जर्सी में कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं या न्यूयॉर्क में, उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, है ना। मेहुल ने कुछ नई जगहें दिखाई जो आज से पहले मैंने नहीं देखी थी, और अभी मेहुल ने बताया कि न्यूयॉर्क में भी हम लोग कैसे घूम सकते हैं, वो इसके बाद आप लोग देखोगे। तो मेहुल, यू वांट टू से समथिंग? बिलीव इन योरसेल्फ, मेक ड्रीम्स कम ट्रू। तो आज मेहुल ने एंड किया है ब्लॉग का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, आई लव यू, टेक केयर।